हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे नए वीडियो में। जी दोस्तों, पहले मैंने आपको दो तीन दीपक के बारे में बताया है और आज जिस दीपक के बारे में बताने जा रही हूँ, शास्त्रों वर्णित है कि उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद घर के अंदर धन संपदा बढ़ने लगती है। धन संपदा को देने वाला दीपक है, जहाँ वो दीपक लगाया जाता है वहाँ कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। तो वो बहुत ही चमत्कारी दीपक है। गुरुदेव जी ने भी अपनी कथा में इस दीपक का बहुत वर्णन किया गया है। और दूसरी चीज़, उस दीपक को अगर खास दिन अगर हम प्रज्वलित करते हैं तो उस समय कुबेर भंडारी हमारे घर में तब तक रहते हैं जब तक वो दीपक हमारे घर के अंदर प्रज्वलित हो रहा है। वैसे उस दीपक को जहाँ हम व्यापार करते हैं वहाँ पर, घर के मंदिर में, ड्राइंग हॉल में, या फिर जहाँ पर कहीं पर भी बिजनेस की बातें की जाती है, वार्तालाप की जाती है या बड़ी बड़ी डील्स की जाती है, वहाँ पर उस दीपक को ज़रूर प्रज्वलित किया जाता है। आपने बहुत सी जगह उस दीपक को ज़रूर देखा होगा प्रज्वलित होते हुए, पर बहुत बार हम क्या करते हैं, हमें दीपक का नाम नहीं पता होता है या ये नहीं पता होता है कि ये किस कार्य के लिए इस दीपक को लगाया जा रहा है। हर एक कार्य के लिए अलग अलग दीपक का वर्णन किया गया है, तो उसी श्रृंखला में आपके लिए लेकर के आई हूँ। बहुत ही चमत्कारी दीपक, अगर आप अभी तक उस दीपक को अपने घर में नहीं प्रज्वलित करते हो या आपके पास नहीं है, तो आप ज़रूर से उस दीपक को दिवाली से पहले अपने घर में ज़रूर लेकर के आइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आपको इसी तरह से वीडियोस अपने इस चैनल से प्राप्त होती रहेगी। हाँ, जिस खास और चमत्कारी दीपक की मैं बात कर रही हूँ वो है यह, इसका नाम है दोस्तों तिल सोट, इस दीपक को बोला जाता है। और मैं इसका पूरा आपको बताती हूँ किस तरह से इसे प्रज्वलित किया जाता है और दिवाली से पहले किस समय इसको हमें ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने हुए रहना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो ये है तिलसोट दीपक और ये इस तरह से होता है, अलग अलग बड़ा छोटा जैसा चाहो आपको मिल जाएगा साइज में, इस तरह से खुलते भी है। और स्टैंड वाला ये दीपक होता है मोस्ट ऑफ, और किसी में मोर बना हुआ होगा, किसी में कुछ और बना हुआ होगा, तो उसमें आप मत जाइए, बस ये आकृति होनी चाहिए। तिलसोट दीपक इस तरह से होता है, इस तरह से उसमें कंगूरे निकले हुए रहते हैं और एक स्टैंड होता है, तो इसको बोलते हैं तिलसोट दीपक। आपने बहुत सी बार माता रानी के मंदिरों में ज़रूर इनको देखा होगा, लक्ष्मी जी का मंदिर हो, माता पार्वती का मंदिर हो, शेरों वाली माता दुर्गा का मंदिर हो, आपने इस दीपक को ज़रूर प्रज्वलित होते हुए वहाँ देखा होगा, क्योंकि जहाँ पर धन आता है, संपदा आती, लक्ष्मी आती, वहाँ ये दीपक जरूर होता है। तो इस दीपक को लंबी बाती का हमें जलाना होता है और इसके अंदर घी की बाती यानी कि घी प्रज्वलित होता है। बहुत सी जगह तेल भी डाल देते हैं, लेकिन जब हम इसे घर में जलाते हैं, अपने व्यापार स्थान में जलाते हैं, धन संपदा के लिए अगर इस दीपक को जलाते हैं तो इसमें हमें घी प्रज्वलित करना चाहिए। तो घी प्रज्वलित होता है और इस तरह से दीपक को खोल भी सकते हैं, तो आप ये दीपक को ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से हमें दीपक बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है तिलसोट दीपक, तो इसे हमें ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। अभी माता रानी के दिन चल रहे हैं, आप इन्हें अभी भी प्रज्वलित कर सकते हो, दिवाली पर ज़रूर करना चाहिए। वैसे इस दीपक को जहाँ अत्यधिक धन संपदा होती है उनके घरों में तो बहुत है, हमें देखा जाता है कि रोजाना इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। चाहे हम एक बाती लगा लो और अगर खास त्यौहार पे अगर हम लगा रहे हैं तो हम सब बाती भी इसमें लगा करके प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर रोज लगा रहे हैं तो एक लंबी बाती हम लगा करके इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में ज़रूर से इस दीपक को लेकर के आइए। और हाँ, जिस खास दिन की मैं बात कर रही हूँ कि इस दीपक को जिस दिन प्रज्वलित किया जाता है वह है धनतेरस का दिन, जिस दिन हम कुबेर भंडारी की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन इस दीपक को वरदान मिला हुआ है कि धनतेरस के दिन जहाँ जिस घर में इस दीपक को प्रज्वलित किया जाएगा पूजा के समय, तब तक कुबेर भंडारी उस घर के अंदर विद्यमान रहेंगे विराजमान रहेंगे। तो इस दीपक को जरूर से धनतेरस के दिन प्रज्वलित करना चाहिए। इस दीपक को वरदान है तो हमारे घर के अंदर भी कुबेर भंडारी का वास निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये बहुत ही खास दीपक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कौन से दीपक के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह से बहुत ही अच्छे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। हर हर महादेव।